आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को डॉक्टर शांतनु दीक्षित खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव धसान टीकमगढ़ ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि आज 15 से 18 वर्ष के आयु के छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा रहा है, जिसमें टीकमगढ़ विकास खंड 52 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 38 ग्रामीण क्षेत्र में 14 शहरी क्षेत्र में बनाए गए। सभी जगह छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी सेंटरों को जो लक्ष्य दिया गया था वह पूर्ण हो चुका है। वहीं इकाई कई सेंटरों का निरीक्षण SDM सौरभ मिश्रा द्वारा किया गया, साथ ही क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी एवं जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ अमर चंद्र वर्मा द्वारा किया गया। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्तौन में 24 घंटे डिलीवरी व्यवस्था चालू की गई है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव में 10 बेड के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर सहित पूर्ण तैयारी कर ली गई है। आप सबके सहयोग से प्रचार प्रसार से हम आज कुंडेश्वर सेक्टर को भी दूसरे डोज में जिले में पहले स्थान पर हैं। आप सभी से आशा करते हैं कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक करते रहें, जिससे हम इस जंग को जीत सकें। हम CSC पर चालू कर रहे हैं, वो प्रयास करेंगे कि अगर हमें सक्सेस मिलता है और हमारा रेशियो और हमारे रेट हमें कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो हम अपनी PSC अस्तौन और PSC बुढ़ेरा पर भी चालू करेंगे। कोविड वैक्सीनेशन आज बच्चों का कोविड 15 से 18 साल के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन चालू हुआ। हमें बस ऐसा डर था, कल तक कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली, उसके पहले भी SDM साहब ने मीटिंग ली, तो हम ये सोच में थे कि कैसे हम वैक्सीनेशन अचीव टारगेट अचीव कर पाएंगे, कैसे बच्चे आएंगे, क्योंकि जब अपन ने 18 से 45 और 45 से 60 तक के लोगों को लगाई तो इस तरीके से अपन को जो समस्या हुई वो सामना करनी पड़ी। लेकिन आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें टीमें कम पड़ रही, बच्चे स्कूल में पैक्ड हैं, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा कि मतलब लोग इतने इंटरेस्टेड, बच्चे इतने इंटरेस्टेड हैं। नंबर एक हुआ, जवाहर नवोदय विद्यालय हुआ, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हुए, सब में इतनी स्ट्रेंथ थी। चिकित्सालय के बाद पहला ICU हम ब्लॉक में तैयार करने जा रहे हैं, जिससे मरीजों को आप अगर कोविड का कोई भी पेशेंट आता है या कोई भी ऐसा सडन पता चला अपन को जिसको बहुत क्रिटिकल फेज में है, उसको ट्रीटमेंट जब तक वो जिला अस्पताल तक रेफर करते हैं अपन, तो उसको काफी दिक्कतें होती है। आज जो प्रेस वार्ता खंड मैंने रखी है बड़ागांव ब्लॉक की तरफ से, उसका मेन मोटिव ये था कि हमारे जो कोविड की तैयारियां हैं वो हम सबको बताना चाहते थे और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को अवेयर करना चाहते थे। अभी जिला टीकमगढ़ में पहली ऐसी CSC है जिसको हम डिजिटल OPD बनाने जा रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि हम पहले ICU जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद पहला ICU CSC बड़ागांव में तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूं कि जितने जल्दी हो सके कोविड आने से पहले हो जाए। हमारी टीमें सेंटर बनाए गए हैं, आप सभी से ये भी मैं अनुरोध करता हूं कि वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहने, भीड़ वाली जगह पर खड़े ना हों। अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति को लगता है कि उसे सर्दी जुकाम या खांसी है तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित करें, सैंपलिंग करवाएं और घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कैसी कोविड में हमने अभी फीवर क्लिनिक भी अपने यहाँ चालू कर दी है, RT-PCR की भी जांच CSC पर चालू कर दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी या बुखार लगता है तो उसकी तत्काल जाँच की जाती है और उसे औपचारिक जो भी दवाइयां हैं वो हमारी CSC, PSC और ऐसे सब हेल्थ सेंटर्स भी हैं, वहां भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमने एक 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर लिया है। हमारे पास 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी सरकार द्वारा हमको दे दिए गए हैं, हमारे पास 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, हमारे पास सारे ऐसे औपचारिक व्यवस्थाएँ हैं जो कोविड को हरा सकें। टीकमगढ़ से संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट, न्यूज़ Like 18.